अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग? सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई खबर के साथ, और ये खबर है सऊदी अरब की। और ये खबर आप सभी लोगों के लिए है जो गैर मुल्की लोग यहाँ पर रहते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं। डोमेस्टिक वर्कर है चाहे जो भी, अगर घर खाते में काम कर रहे हो या फिर कंपनी में काम कर रहे हो, सबके लिए ये नियम लागू है। कि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि ये हज का महीना चल रहा है, पूरी दुनिया से हाजी अरब में आते हैं हज करने के लिए। तो ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो लोग इस हज के दौरान मक्का में जाना चाहते हैं, किसी काम से या किसी भी वजह से अगर जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ख़ास खबर है कि अगर मक्का में अगर आपको जाना है, किसी कोई काम है या किसी भी वजह से अगर जाते हैं, तो आपको सबसे पहले इंट्री पास लेना होता है मक्का के लिए। सऊदी अरब के जवाजात ने यह खबर दी है कि जो कोई भी हो गैर मुल्की, अगर मक्का में एंट्री करना चाहते हैं ये हज के दौरान में, तो उसे पहले सबसे पहले एंट्री पास लेना होगा। एंट्री पास के लिए क्या करना है, कैसे लेना है, सारी जानकारी बताऊंगा। अगर जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये जानकारी हर लोगों तक पहुंचे और सब लोगों को ये जानकारी पता हो। अगर जो जाना चाहते हैं तो जाने से पहले अपना एंट्री पास करवा लेंगे। तो आइए चलते हैं खबर की ओर। बताने वाला हूं आप लोगों को कि किस तरीके से हम एंट्री पास लेंगे मक्का जाने के लिए। ये एंट्री पास सिर्फ हज के दौरान ही लागू है। जब तक हज होगा तब तक ये एंट्री पास लगेगा, हज के बाद ये फिर समाप्त हो जाएगा। चलते हैं किस तरीके से ये एंट्री पास लेंगे हम। सबसे पहले आपको मुकीम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। मुकीम ऐप डाउनलोड होने के बाद उसको एक्टिवेट करना होगा, लॉगिन करना होगा, अपना मोबाइल नंबर डाल के आईडी पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद उसमें ऑप्शन वाइज ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैं बता रहा हूँ आपको ऑप्शन वाइज ऑप्शन। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में जाना है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जाने के बाद दूसरा जो ऑप्शन है उसके बाद वर्कर को सिलेक्ट करना है। वर्कर सिलेक्ट करने के बाद इंट्री परमिट टू मक्का, ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट अ परमिट एप्लीकेशन। क्रिएट अ परमिट एप्लीकेशन में आप अपना सारा डिटेल्स देंगे। डिटेल्स देने के बाद उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका इंट्री पास बन जाएगा। एंट्री पास बनने के बाद आप मक्का में दाखिल कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक कंडीशन है कि जो लोग एंट्री पास बनाना चाहते हैं उसके पास इकामा वैलिड होना चाहिए, इकामा का वैलिडिटी होना चाहिए, और वो आदमी अपने काम से एब्सेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई घर खाते में डोमेस्टिक वर्कर है, जहाँ काम वो कर रहा है वहाँ उन लोगों से परमिशन के बगैर वो वहाँ नहीं जा सकते। आप कंपनी के परमिशन के बगैर और जो डोमेस्टिक वर्कर हैं कफील के परमिशन के बगैर नहीं जा सकते, नहीं एंट्री ले सकते। और जब ये मुकीम का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जब हो जाएगा, तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका एंट्री परमिट आपको इशू हो चुका है, आप मक्का में एंट्री कर सकते हैं। मैंने आप लोग को सारा प्रोसेस बता दिया हूँ कि किस तरीके से एंट्री पास बनाना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा हो, आप लोगों की जानकारी के लिए हो। मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को तक ये खबर पहुँच सके। तब तक विदा लेता हूँ, धन्यवाद।